हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने गीता, मिस्ट्रीज ऑफ गीता के नाम से एक सीरीज अध्याय स्टार्ट किए हैं, और उस सीरीज में ये पांचवा अध्याय है। तो इसमें हम आज गीता अध्याय नंबर 13 के श्लोक लेंगे, और गीता के कुछ अध्याय ऐसे हैं जिसमें जो कि ज्ञान योग पर ही आधारित है, जैसे अध्याय 9, अध्याय 13, अध्याय 14, ये पूरा ज्ञान योग है, और अध्याय दूसरा भी ज्ञान योग है। तो उसी क्रम में आज अध्याय 13 के पहले दो श्लोक लेंगे और उस पर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और चर्चा करेंगे योगिक विज्ञान, योगिक साइंस के माध्यम से। जो योगिक साइंस की हमारे जो सिद्धांत हैं, जो इटर्नल प्रिंसिपल्स हैं, शाश्वत सिद्धांत हैं। शाश्वत का मतलब होता है जो जिस पर समय और स्थिति का और स्थान का कोई प्रभाव नहीं है, वो होती ही होती हैं एज इट इज। तो उसके अंतर्गत उसी आधार पर हम इन श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ, दोनों श्लोक, पहले दो श्लोक अध्याय नंबर 13 के। पहला श्लोक है, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्य भी धीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को, यह का मतलब इदम शरीरम, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहते हैं, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। तो शरीर क्षेत्र और शरीर को जो जानता है, जानने वाला है, वो क्षेत्रज्ञ हुआ। श्लोक नंबर 2, जो दूसरा श्लोक है वो है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्गानम यत्तंज्ञानम मतम मम। मीन्स, हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। फ्रेंड्स, यदि इन दो श्लोकों को हम देखें, पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस शरीर को, अभी हम शरीर के, भगवान शरीर के लेवल पे बात कर रहे हैं, शरीर के स्तर पर बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि शरीर और इसकी जो भी गतिविधियां हैं ये तो क्षेत्र है, इसको तू क्षेत्र जान, और इसको जो जानने वाला है, इसके अंदर जो शरीर को जानने वाला है, इसकी गतिविधियों को जानने वाला है, उसको क्षेत्रज्ञ जान। तो जानने वाला क्षेत्रज्ञ हो गया, और जो शरीर है और उसकी गतिविधियां हैं वो क्षेत्र। और दूसरे श्लोक में कहते हैं, जो इसके अंदर क्षेत्रज्ञ है, जो शरीर को जानता है, शरीर और इसके इसकी जो भी फंक्शंस हैं, जो भी इसकी एक्टिविटीज है, उसको जो जानने वाला है, उस क्षेत्रज्ञ को मुझे ही समझ। और फिर कहते हैं, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ में जानना कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, हर स्तर पर, शरीर के स्तर पर नहीं, हर स्तर पर। यदि हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, तो भगवान कहते हैं कि मेरे मत में वही ज्ञान है। तो एक तो भगवान ने यह बता दिया कि ज्ञान असल में है क्या, ज्ञान का स्वरूप क्या है। तो ज्ञान का स्वरूप क्या है, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को यथार्थ रूप से जानता है, तत्व से जानता है। यदि हम इसको योगिक विज्ञान के आधार पर बात करते हैं, जिन सिद्धांतों की हम पहले से ही चर्चा करते आए हैं, तो
योगिक विज्ञान में हर स्तर पर यह हमें मिल जाएगा। जो एक है, एक ऊर्जा है, जिसको कि हम कहें अद्वैत स्वरूप, जो एक है, जब वो दो में, कल्पना में दो होता है, चेतन के रूप में परमात्मा यानी चेतन, शुद्ध चेतन, और जिसके प्रति वो चेत रहा है यानी प्रकृति, तो उस स्तर पर जो पूरी प्रकृति है वो तो क्षेत्र हो गई, पूरी प्रकृति एक वो क्षेत्र हो गई, और उसको जो जान रहा है यानी जो कंट्रोल है कर रहा है, जो उसका अध्यक्ष है, वो क्षेत्रज्ञ है। तो उस स्तर पर भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। जब हम प्रकृति के अंदर आते हैं, प्रकृति में क्या है, जीवात्माएं हैं, जो बाहर एक है वो प्रकृति में मेमोरी के रूप में है ना, मेमोरी के रूप में, स्मृति के रूप में जो जीवात्मा है, तो प्रकृति में जो जीवात्मा है वो क्षेत्रज्ञ है, और जिस को जानने वाला है वो उसका क्षेत्र है। तो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र प्रकृति के अंदर में भी बहुत सारे उसके लेयर हो सकते हैं, बहुत बड़ा लेयर हो सकता है। हो सकता है मान लीजिए पूरा पूरा एक तरीके से पूरी गैलेक्सी है, तो पूरी गैलेक्सी का भी एक एक, एक पूरी गैलेक्सी में एक क्षेत्र है, और उसका भी एक क्षेत्रज्ञ हो सकता है, हो सकता नहीं है, होता है क्षेत्रज्ञ। कोई भी सिस्टम है उसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी पूरा क्षेत्र है, और उसके अंदर जो चेतन, जो जानने वाला है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, वो क्षेत्रज्ञ। शरीर के स्तर पर देखेंगे, हमारा अपना शरीर है, हम जानते हैं कि हमारा शरीर है, शरीर की जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी इसके अंदर कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, सबको हम जान रहे हैं, तो जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। तो हर स्तर पर, चाहे प्रकृति में बहुत सारे स्तर हैं, और प्रकृति के बाहर जो एक विशाल स्तर है, व्यापक में जो स्तर है परमात्मा का और पूरी प्रकृति का, हर स्तर पर ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जानने में आ सकता है, यदि कोई इसको इसके ऊपर बहुत चिंतन करे तो। और ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जानना है, वही भगवान कह रहे हैं कि वही मेरे मत में ज्ञान है। तो जो क्षेत्रज्ञ है, इसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप है जो एक का जो चेतन रूप है, एक का जो चेतन रूप, जैसे एक दो हुआ तो चेतन रूप किसमें आया, परमात्मा पे आया। प्रकृति के अंदर जो चेतन रूप है वो जीव है, और मगर वो जो जीव है वो भी बहुत, वो जीव जो है वो किसके रिलेटिव जीव है ना, वो उसका उसका क्षेत्र कितना बड़ा है, तो वहां पे बहुत सारे स्तर हैं कि किसी जीव का क्षेत्र बहुत बड़ा हो सकता है, किसी जीव का क्षेत्र छोटा हो सकता है। तो हर स्तर पर यदि हम क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का ज्ञान है, यही यथार्थ ज्ञान है। मैं शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि योगिक साइंस के माध्यम से इन दो श्लोकों पर प्रकाश डालें, ताकि इनको हम और भी अलग अलग एंगल से समझ सकें। योगिक साइंस के आधार से अब हम ये दो श्लोक, आपने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ है जो है वो भगवान श्री कृष्ण महाराज ये बोलते हैं, वो ज्ञान मैं ही हूं। तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ का जो उन्होंने ज्ञान बताया है, तो ये ज्ञान उन्होंने आगे विकसित करने के बाद बताया, मगर क्षेत्र में उन्होंने ज्ञान जैसी कोई बात नहीं लाई। क्षेत्र में ये तो बताते कम से कम इस श्लोक में कि क्षेत्र का ज्ञान ये है, बताएंगे तो ये आगे है? आगे आने वाले श्लोकों में बताया उन्होंने, बताया उन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि क्षेत्र क्या क्या है, और क्षेत्रज्ञ भी बताया है। हाँ, तो इस वक्त क्षेत्र जो है ना, क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र जो उन्होंने बताया है, वो
योगिक साइंस के आधार पर अगर हम देखें तो जो सबसे पहले जिसे हम केंद्र है, जिसे केंद्र जैसे आपने जीवात्मा बताया, तो केंद्र का ज्ञान इसमें श्लोक में नहीं है कि आप केंद्रित हैं और आप जीवात्मा हैं, तो जीव आत्मा का ज्ञान जो है यहाँ आपको है। तो ये कह रहे क्षेत्रज्ञ जो इसके विकसित जो इसका विकसित हुआ है इन्होंने, क्योंकि भगवान ने इसमें शरीर के आधार पर बात की है इन दो श्लोकों। हाँ, विकसित जी। तो मैं भी योगिक साइंस के माध्यम से आपने जो मूल में चीजें बताई हैं, वो जो चीजें बताई हैं वो बहुत गहरी है, वो बहुत गहरा विषय आपने जो श्री कृष्ण महाराज गीता में ज्ञान दे रहे हैं क्षेत्रज्ञ का। तो क्षेत्रज्ञ का वो ये बता रहे हैं कि मैं शरीर जो है वो एक तरफ तो ये कहा गया कि शरीर क्षेत्र है और उसमें जो बाहर की तरफ जितनी गतिविधियां हैं वो सारी की सारी जो कर रहे हैं कर्म इंद्रियों से कर्म रहे या ज्ञान इंद्रियों से जान रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये सब मैं हूं। तो ये योगिक साइंस के माध्यम से ये उनकी क्षेत्रज्ञ कहा गया उनको। मगर क्षेत्र जो शरीर कहा गया है, शरीर का भी अगर ज्ञान आपको शरीर का है कि मैं हूं, तो जो मैं हूं अर्थात आपको शरीर का ज्ञान है, मैं हूं आत्मा का ज्ञान नहीं है, जीव का नहीं है या आपके स्वरूप का नहीं, वो ज्ञान नहीं, मैं हूं मैं एक शरीर हूं। तो ऐसे एक शरीर जो मनुष्य है, मैं दूसरी प्रजातियां हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जो मेरे अनुभव में है, जो मेरे ज्ञान में है, मैं वो नहीं हूं। तो ये शरीर का जो ज्ञान है, इस शरीर का ज्ञान जब हमारा विकसित होता है तब हम कोई कार्य करते हैं और हम अन्य दूसरे को जानते हैं, दूसरे कार्यों को जानते हैं, दूसरे जीवों को जानते हैं, बहुत सारे पशु पक्षियों को जानते हैं, बहुत सारे कार्य क्षेत्र को जानते हैं, बहुत सारे हम ग्रहों को जानते हैं, सूरज को जानते हैं, वायुमंडल को जानते हैं, हर चीजों को जानते हैं। तो जब हम ये जानकारी हासिल करते हैं तो बोलता है ये कृष्ण भगवान बोले ये सब का जब क्षेत्रज्ञ है जो आपका, ये सब जितना भी ज्ञान जैसा रूप आपको दिखाई दे रहा है ये सब मैं हूं। ज्ञान की क्योंकि क्षेत्र ये आपका शरीर है और ये इसका व्यापक ज्ञान है, वो मैं हूं। तो क्षेत्र में ज्ञान भी क्षेत्र का ज्ञान हूं, मगर ऐसे क्षेत्र की ज्ञान नहीं बात कर रहे हैं कि आप केंद्र बिंदु में जीव हैं तो आपको जीव का ज्ञान, वो बात नहीं हो रही है, बात हो रही है क्षेत्रज्ञ की। तो जो क्षेत्रज्ञ है योगिक साइंस के माध्यम से वो यही है कि जितना हमारा जगत विकसित होता है, जगत ऐसा नहीं है कि हमारा हमारा जगत ऐसा भी विकसित होता है, हमारा ये आँख खुली वाला जगत है ये वाला विकसित है, हमारा एक हम रात को निद्रा लेते हैं तो उस वक्त हमारा एक स्वप्न वाला जगत होता है वो विकसित होता है और वो भी हमें प्रभावित करता है। अच्छा, जब हम कभी बहुत छोटी अवस्था में थे तो हमारा एक जगत था, जब हम माँ के उदर में थे तब हमारा एक जगत था, जब हम पिताजी के पास थे तब हमारा एक जगत था बिंदु रूप में, और जब हम इस नेचर में एज ए वनस्पति या एज ए मिट्टी जलवायु और अग्नि कुछ भी थे तो वो भी मेरा एक जगत था। तो जो जगतों का ज्ञान है, जो जगतों का ज्ञान है ये गहराई का ज्ञान है योगिक साइंस के माध्यम से। और वो अभी तो सिर्फ इस बात की केवल इस बात कर रहे हैं कि आपका ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र के बस इतने ही श्लोक में ये कह रहे हैं, क्षेत्र को अपना नहीं बता रहे हैं, वो कह रहे जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूँ। कृष्ण भगवान बोलते वो मैं, ये सब कुछ जानने वाला मैं हूँ। तो जो जानने वाली आपकी इंद्रियगत कर्म इंद्री और जितनी आपकी मेमोरी और जितना आपके मन बुद्धि चित्त अहंग में जितनी भी आपकी चित्त वृत्तियां हैं, ये सब कुछ मिक्स होकर के एक एक जानकारी आपके पास में है, और वो जो जानकारी आपके पास में है वो श्री कृष्ण भगवान के ये कह रहे हैं कि वो मैं हूँ जो जानकारी आपके पास में। अच्छा, ये जानकारी अभी
श्लोक में अगर नहीं आया भी मगर ये जानकारी, अगर एक सेकंड में हमारा काम तमाम हो जाए तो जानकारी सब फिनिश। तो जो जानकारी फिनिश, तो जानकारी को बता रहे हैं या जो जानने वाला है हमेशा, जो जानने वाला है, जो जानने वाला है वो है क्षेत्रज्ञ, उसको बता रहे हैं कि मैं हूँ जो जानने वाला है। हाँ, वो जानने वाला, जानने वाला अर्थात ये सब कुछ इस वक्त परमात्म स्वरूप जान रहा है जी। क्योंकि अगर अगर मेरी सांस प्रक्रिया ना चल रही हो तो ये सब तामझाम मुझे नहीं जगत का समझ में आएगा कि ये मेरा है या मुझे ज्ञान है, ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये सांस की प्रक्रिया या ऐसा 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 जीव जो सांस ना लेता हो जगत में हो और उसे अपने क्षेत्र का ज्ञान हो, अपने उसके का ज्ञान हो, तो उसके पास भी वो ज्ञान जो है वो परमात्मा वहां पे है, परमात्मा स्वरूप प्रसन्न भगवान कह रहे हैं कि वो चीज मैं हूँ। तो वो स्तर है इसके, और ये स्तर आपने सारे बताई दिए थे अभी कि योगिक साइंस के माध्यम से हम पहले ही बता चुके कि बहुत सारे स्तर हैं और इन स्तरों का ज्ञान जो है भांति भांति का है और इनके अपने ज्ञान के अनुभव हैं, जो आपके अनुभव हैं वही आपका ज्ञान है, जो आपकी घटनाएं दुर्घटनाएं हैं वो आपका ज्ञान है, जो आपका खान पान रहन सहन जीवन है ये सारा ये आपका ही ज्ञान है। ये जो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जहाँ हमारी योगिक साइंस पे बात करते हैं, वो ज्ञान जो है आध्यात्मिक ज्ञान वो गहराई का ज्ञान है, और वो गहराई का ज्ञान अभी आपने थोड़ा बताने का प्रयास किया, उसमें बहुत सारा व्यापक तरीके से योगिक साइंस के माध्यम से बताया जा सकता है। तो इस श्लोक में क्षेत्रज्ञ का जो है भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि हम ये ज्ञान मेरा है। तो बाकी इसमें योगिक साइंस के माध्यम से हमारा ख्याल आगे दूसरे श्लोक आएंगे तो और भी श्लोक, हाँ इसके आगे भी काफी श्लोक हैं और उन श्लोकों में काफी विस्तार से भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है ना और ज्ञान पूरी विवेचना है बाकी के श्लोकों में। तो आगे के एपिसोड में वो सारे श्लोक हम लेंगे धीरे धीरे और कोशिश यही करेंगे कि इन श्लोकों को गहराई से समझी जाए, समझा जाए और जो इनके इन सारे श्लोकों में जो मूल चीजें हैं है ना, भगवान बोलते हैं क्षेत्रज्ञ मैं हूँ है ना, तो अपना मूल बता रहे हैं है ना, तो वो सारी मूल चीजें योगी साइंस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के एपिसोड में आज इतना ही, नमस्कार। नमस्कार।